सौदा का सौदा धंधा कितना बड़ा होता है मालूम। अभी तो प्यार मोहब्बत से आपसे बात करते हैं और फिर जब चुप हो गए तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी एक एक बातों को अपनी भलाई, मानव की भलाई, देश की भलाई, आत्मा की भलाई के लिए समझने की कोशिश करो। मैंने कोई यहां अखाड़ा ठग विद्या का नहीं लगाया कि मैं कोई अखाड़ा ठग विद्या का लगा रहा हूं, ये सब कुछ नहीं। मैंने जो अखाड़ा ये आपके सामने रखा है ये वास्तविकता का, जो सनातन है, अनाथ का है, आज का है, जो मुद्दतों का है, वो हिंदू मुसलमान और ईसाइयों से सबसे अपील और प्रार्थना और मिन्नत करता हूं और सभी लोगों को वक्त की इतला देता हूं, सूचना देता हूं, वक्त की यादगार कराता हूं। उसको आप लोग करें और मोहब्बत और प्यार एक इंसानियत का एक प्याला है, मानवता का, उसको आप लोग कहीं भी फकीर और महात्माओं के कदमों में जाके पिए। आपके पास कुछ नहीं है और उनके पास में भरा हुआ है, तो जो पिलाना जानता है, जिसके पास भरा है उसके पियो। इंसानियत आ जाएगी, मानवता आ जाएगी। और फितरत जानी पूरे जी के ये सभी झगड़े खत्म हो जाए। और वैसे जो आपने अपना घड़ा गुनाहों का, पापों का भर लिया, मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि फकीरों महात्माओं के यहां दरिया है, उसमें जाकर स्नान करो तो गुनाह और पापों के घड़े को फोड़ दो और उसी दरिया में बहा दो, काम आपका बन जाए। और मैं जो गुनाहों और पापों का घड़ा आपने भर लिया वो तो बिना फूटे रहेगा, जब फूटेगा तो विष निकलेगा, जहर निकलेगा, आग निकलेगी, न मालूम क्या क्या निकलेगा। खुदा के सोता और भगवान के डंडा लगते ही, चाहे आप अपने शब्दों में कुदरत का डंडा कहो, कुदरती मार कहो, उसके डंडा लगते ही अगर इंसान आदमियों को एक मिनट में अकल ना आ जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत। लेकिन चाहता हूं ये कि मानव को इस सृष्टि में जस प्राप्त हो, मानता प्राप्त हो कीर्ति, क्योंकि निमित्त मात्र तो किसी को बनना ही है, वो अधिक छोकर के कोई खेल नहीं करता, ना वो कुछ करेगा। इस मानव पंचभौतिक सृष्टि में वो अधिक से खेल नहीं करेगा, मानव मानवता से खेल करेगा, अधिक में होकर के नहीं। जिस दिन वो अधिक में होकर के खेल करेगा उस दिन भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और मानवता में होकर के खेल करेगा तो उसका अस्तित्व रह जाएगा। इसलिए ऐसा कौन उसके यहां नियम नहीं। तो मैंने आज के ये 30 तारीख है, 30 तारीख के दिन आपको ऐसे पुनीत पवित्र पर्व पर फिर से दोबारा कुछ चंद शब्दों की याद दिलाई। और भारत के सभी लोगों से आह्वान किया कि आप छोटे बड़े, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान, सब लोग अपनी अपनी धार्मिक पुस्तकों को फिर से दोबारा देखो और वर्तमान के समय का अध्ययन करो। तो
बात जल्दी समझ में आ जाएगी। न किताबों को न मानोगे, न वर्तमान के समय का अध्ययन होगा, खुद भी गिरोगे दूसरों को भी गिरा दोगे, खुद भी मर जाओगे दूसरों को भी मार दोगे, खुद भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा दूसरों का भी खत्म कर दोगे। ऐसा काम मत कर। इस भूमि पर जन्म लिया है मां की गोद से, उस कोख से, तो कम से कम इतना तो करो ही कि खुद भी कुछ काम बन जाए और अपने मां बाप का भी कुछ बन जाए। और इस धरती का, इस जमीन का भी कुछ हो जाए। तो ये धरती और जमीन का ऋण है, कर्जा है वो हिंदू मुसलमान ईसाइयों को, जो कर्जा है उसको चुकाना पड़ेगा। बिना चुकाए आपकी रिहाई होगी नहीं। जो इस जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश धरती का कर्जा जो लाभ लेते हैं उनको देना पड़ेगा। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्मों का बड़ा गोपनीय राज रहस्य है, इसको नहीं कोई जान सकता। को जग जाने जो, कौन इसको जान सकता है जो उसको पा लेता वो जानता है। को करा अपराध को पा फल भोग, अति विचित्र भगवंत गत। भगवान की ऐसी कर्मों की विचित्र गति कि अपराध किसी ने किया और उसका भोग किसी को। ठीक इस समय पर यही हो रहा, हम गलती करते हैं सजा उनको मिलती, कतल ये करता है साथी उसको मिलती। ऐसा विचित्र खेल कर्मों का, इस ऐसे ज्ञान विषय को वही ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी जानते हैं, जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया मरने से पहले और जिनका संबंध उस शक्ति से हो वो इस रहस्य को जानते, वरना और कुछ। इसलिए जब आपको मिले निमित्त मात्र और ऐसी बात नहीं है कि दुनिया में भगवान के संदेश सुनने वाले लोग मिलेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं। खराब से खराब दुनिया बन जाए, हर गांव में दुराचारी और पापी हो जाए, लेकिन उस परमपिता परमात्मा का ये गुण है कि उसी गांव में एक धर्मात्मा हो, एक बीज रहेगा। जब बीज रहेगा तो काम बन जाए, फिर क्या बात है, तो काम हो ही जाए, तो बीज है। मैं ऐसा कभी विश्वास न करता हूं न किया। भगवान की जब सृष्टि बनी, जब नियम बने, तो ये सब निश्चय हो गया। इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं कि लोग तैयार नहीं होंगे, लोग मेरी बात को सुनेंगे नहीं। मेरी बात का मतलब उसकी, उसका आदेश, उसकी बात। वो बात अलग है कि आपने होकर के सुनाई दी जाए या मुझमें होकर के आप सुन ले, लेकिन सब बात, सब संदेशा, हुक्मनामा, पैगाम सब उसका होगा, जरूर सुनेंगे। और सुनने वाले नहीं होते तो यहां क्यों आते, जंगल ये तो जंगल है, यहां कोई शहर तो नहीं, जंगल में पड़े हुए हैं बेफिक्र होकर। जंगल को घर बनाए पड़े, बत्ती बना करके पड़े हुए हैं, पानी नहीं मिला ना सही, खाना न मिले दोनों टेम एक ही सही, पड़े हुए ऐसा मालूम होता है कि खाने से ज्यादा कोई खुराक जीवित रहने की इनको मिल रही है। इस स्थान पर आकर के नए लोग इस बात का अनुभव करें और एक एक छोटी छोटी बातों का अनुभव करोगे तो बड़ा विशाल ज्ञान का भंडार आप में खुल जाएगा। छोटी बात को नहीं देखोगे तो ज्ञान का भंडार नहीं,
अब आपको थोड़ा सत्संग सुना दे क्योंकि मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं। मिली नर देह तुम तो मनाओ काज को जया तुम। महाराज में जब आते हो कहते हैं कि तुमको ये मर गई बड़ी मुश्किल से मिली और अब की बार इसमें कुछ अपना भी काम कर लो, अपना काम बना लो कुछ। शरीर के काम बनाने में तो बहुत मेहनत करते हो लेकिन जीवात्मा अपने काम में क्या मेहनत कर रहे हैं। तो ये मर्दे ही मिली, बार बार नहीं मिलेगी, ये हमेशा याद रख। एक बार मथुरा छोड़ के चले गए दोबारा नहीं आओगे, जिन बाल बच्चों को छोड़ के चले जाओगे दोबारा कभी नहीं।